बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर है इम्प्लिकेशंस ऑफ केसी। केसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं? तो केसी का पहला एप्लीकेशन है प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। एक रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ये हम केसी की मदद से मालूम कर सकते हैं, बशर्ते हमें एक रिएक्शन की केसी वैल्यू नोन हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन। ये तीन चीजें अगर हमें नोन हो, कौन कौन सी रिएक्शन की केसी वैल्यू, रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन, तो हम बता सकते हैं कि एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या बैकवर्ड में जा रहा है या रिएक्शन इक्विलिब्रियम। हमें ये चीजें नोन हो, केसी ऑफ रिएक्शन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये हमें नोन हो, तो हम रिएक्शन का डायरेक्शन बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यूज करके रिएक्शन के लिए अपनी केसी वैल्यू मालूम करेंगे। जो केसी वैल्यू हम मालूम करते हैं उसे कोशंट ऑफ रिएक्शन कहते हैं और क्यूसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोशंट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों को यूज करके हम रिएक्शन के लिए अपनी केसी वैल्यू मालूम करेंगे। जो केसी वैल्यू हम मालूम करते हैं, एक तो क्वेश्चन में गिवन होगी, ये क्वेश्चन में जो गिवन है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। जो केसी वैल्यू हम मालूम करते हैं उसे कोशंट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, उसे क्यूसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे केसी को कैलकुलेट किया जाता है। तो हम जब क्यूसी यानी कोशंट ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। QC is less than KC, अगर ये वाली हालत हो तो इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। QC is greater than KC, इसका मतलब है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर दोनों आपस में इक्वल हो तो इसका मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं तो इससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। कंसिडर अ क्वेश्चन, N2 plus 3H2 give 2NH3. 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस रिएक्शन की केसी वैल्यू है 9। अगर मैं
मेरे पास एक मोल पर लीटर नाइट्रोजन हो, 3 मोल पर लीटर हाइड्रोजन हो और 2 मोल पर लीटर अमोनिया हो, और इसे मैं मिक्स कर लूं इसी टेम्परेचर पे, तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? तो आप क्वेश्चन में देखिए, मुझे केसी वैल्यू नोन है, रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन नोन है, प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन नोन है। मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शन के लिए अपनी केसी वैल्यू मालूम, जो कैसी वैल्यू मैं मालूम करता हूं उसे क्या करूंगा, कोशंट ऑफ रिएक्शन, और किस चीज से रिप्रेजेंट करूंगा, क्यों सी से। तो क्यों सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट। इसमें वैल्यूज पुट करें, अमोनिया 2 मोल पर लीटर तो 2 और इसका स्क्वायर, नाइट्रोजन 1 मोल पर लीटर, हाइड्रोजन 3 मोल पर लीटर तो 3 पावर 3, इससे आ जाएगा 4 और इससे आ जाएगा 27, 3 × 3 × 3। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इससे तकरीबन आएगा 0.18। यू मैंने रिएक्शन के लिए QC वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आगे क्या करूंगा, QC को KC के साथ कंपेयर करूंगा। तो QC मैंने कैलकुलेट किया कि QC की वैल्यू है 0.18 और KC की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है विच इज 9। तो इन दोनों को कंपेयर करें, QC इज लेस देन KC, सो रिएक्शन विल मूव इन विच डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये KC का एक एप्लीकेशन, मैंने ये रिएक्शन लिखा और मैंने रिएक्टेड प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन आपस में मिक्स किए, तो मैंने पहले से बताया कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। रिएक्शन के लिए मैंने क्यू सी की वैल्यू कैलकुलेट की और क्यू सी की वैल्यू के सी से कम आ गई, तो इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर QC की वैल्यू ज्यादा आती तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन, और अगर इक्वल आती तो इसका मतलब है ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है। दूसरा एप्लीकेशन है, केसी का दूसरा एप्लीकेशन है एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन का मतलब है एक रिएक्शन कितना दूर जाके इक्विलिब्रियम की हालत में आएगा। ये सपोज मैं रिएक्टेंट हूं यहां पे और यहां पे जाके प्रोडक्ट बना, तो यहां पे मैं रिएक्टेंट हूं, मैं जब एक कदम उठाऊंगा तो रुकूंगा या दूर जाके इक्विलिब्रियम की हालत में आऊंगा, यानी एक रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीशन के बाद इक्विलिब्रियम की हालत में आ सकता है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। 1% कंप्लीशन के बाद, 10% कंप्लीशन के बाद,
99% कंप्लीशन के बाद कब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में आएगा, इसे कहते हैं एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये हम केसी की वैल्यू से बता सकते हैं। केसी की तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं, कौन कौन सी? केसी इज मच ग्रेटर देन वन। अगर केसी की वैल्यू वन से बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा मीन्स 10^15 और 10^20 और 10^30, केसी की वैल्यू अगर वन से बहुत ज्यादा कम हो, जैसे 10^-15, 10^-20, 10^-30, तो ये वन से बहुत ज्यादा कम है। और तीसरी वैल्यू, अगर केसी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वन के इक्वल हो, तो इन दोनों में से एक याद रखें, दूसरा इसका उलट होगा। इसे याद करें, इसको, इस दूसरे केस के लिए, इसके लिए जो कुछ आपने याद किया है उसे उलट करें। ओके, जब केसी की वैल्यू वन से बहुत ज्यादा हो, तो इनसे हम ये मतलब निकालते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज है और तकरीबन 99% कंप्लीट हो सकता है। तो केसी की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, मतलब ये होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन उतना फास्ट हो रहा है और जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है वो भी ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट है और रिएक्शन 90% से ऊपर कंप्लीट हो चुका है। इसका ये भी मतलब हम निकाल सकते हैं कि रिएक्टेंट हाईली अनस्टेबल है या प्रोडक्ट बेहद स्टेबल है। सो व्हेन केसी वैल्यू इज मच ग्रेटर देन वन, वी कंक्लूड, पहला कंक्लूजन, फॉरवर्ड रिएक्शन is very fast, इसका हम ये मतलब भी निकाल देते हैं, reactants are unstable, products are stable. ये unstable है तो ये इस हालत में रुकना नहीं चाहते, ये stable है तो ये reactant product में change होना चाहते हैं और तेजी के साथ stable state में जाना चाहते हैं। तो ऐसे सूरत में रिएक्टेंट अनस्टेबल, प्रोडक्ट स्टेबल, और हम जानते हैं कि स्टेबल चीज इजीली बन सकती है। सो फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट, कब? जब केसी की वैल्यू वन से बहुत ज्यादा हो। और जरा देखो, क्लोरीन एटम क्लोरीन मॉलिक्यूल में चेंज हो रहे हैं, इस रिएक्शन की केसी वैल्यू है 10^38। लुक एट दिस केसी वैल्यू, वन से बहुत ज्यादा।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो क्लोरीन एटम है ये अनस्टेबल है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है ये बेहद स्टेबल है। इस केस के लिए व्हेन केसी वैल्यू इज मच स्मॉलर देन वन, इन्हीं बातों को उलट करें, फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो। स्लो क्यों है? क्योंकि रिएक्टेंट बेहद स्टेबल है, वो प्रोडक्ट में चेंज होना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अनस्टेबल है। अच्छा, जब ये वाली हालत हो, KC is approximately equal to 1, तो इसका मतलब है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम स्ट्रेंथ के हैं, उनका रेट सेम है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो कंपेरेबल है, तकरीबन एक जितनी है। मेजॉरिटी रिएक्शन में KC की वैल्यू तकरीबन 1 के इक्वल होती है, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंपैरेटिव स्टेबिलिटी के होते हैं। तो ये KC का दूसरा एप्लीकेशन था। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है 7.4 और पेज 220। N2 plus O2 give to N4, साथ में इस रिएक्शन की KC वैल्यू भी दी गई है 10^-30। Predict the extent of the reaction. तो KC वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा कम है, इसका ये मतलब है कि ये और ये, इन तीनों गैसेस में से इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि ये जो रिएक्टेंट हैं ये हाईली स्टेबल है। ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में चेंज होना नहीं चाहते। व्हाई दे आर स्टेबल? स्टेबिलिटी की वजह ये है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बांड है, जबकि ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट। तो इनके ये बांड इजीली नहीं टूटते इस टेम्परेचर पे, तो इनके बांड टूटेंगे नहीं। देयरफॉर अगर आपके पास N2 और O2 हो तो इस टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे उनके रिएक्शन करने के चांसेस बहुत कम है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा। अलबत्ता अगर ये चीज है तो ये वापस इसमें चेंज हो सकता है। सो इसमें, इसमें और इसमें किसकी क्वांटिटी कम होगी? इस प्रोडक्ट की, क्योंकि ये प्रोडक्ट इन रिएक्टेंट के मुकाबले में अनस्टेबल है, या ये रिएक्टेंट स्टेबल है, प्रोडक्ट में चेंज होना नहीं चाहते। अच्छा, केसी का तीसरा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये एक रिएक्शन है, ये जब इक्विलिब्रियम को पहुंच जाए तो इक्विलिब्रियम के वक्त रिएक्टेंट कितना बाकी बचा होगा और प्रोडक्ट कितना बना होगा ये भी हम मालूम कर सकते हैं। अगर हमें रिएक्शन की KC वैल्यू नोन हो और रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन नोन हो, ये देखो H2 plus I2 गिव टू HI, इस रिएक्शन की KC वैल्यू है 49।
अगर मैं एक मोल पर लीटर हाइड्रोजन लू, एक मोल पर लीटर आयोडीन लू, तो बताओ कि इक्विलिब्रियम के वक्त, एट इक्विलिब्रियम, ये कितना होगा, ये कितना होगा और ये कितना बना होगा। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, यहां जो भी कोफिशिएंट होगा प्रोडक्ट का, आप सपोज करें कि ये बना है 2x, इसकी क्वांटिटी शुरू में जीरो थी क्योंकि रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, और फिर जब रिएक्शन शुरू हुआ और इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया तो ये बन चुका है। कितना बना है हम नहीं जानते, मैंने लिखा 2x, यहां पे जो भी कोफिशिएंट हो वो लिखे और साथ में इसकी क्वांटिटी अनोन x। अच्छा, इसकी क्वांटिटी में कमी आएगी, कितनी कमी, तो वो अगेन आप इस कोफिशिएंट से मालूम करोगे, ये और ये मिलके ये बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी कम हुई है, कितनी कम हुई है। अगर ये एक मोल कम होता है तो ये 2 मोल बनते हैं, ये 2x मोल बना है, 2x, तो ये कितना कंज्यूम हुआ होगा x मोल, क्योंकि ये कोफिशिएंट बता रहा है कि जब इसका एक मोल कंज्यूम होता है तो इसके 2 मोल बन जाते, तो अगर इसके x मोल कंज्यूम हो जाए, x ये कितना बनेगा 2x, तो इसके x मोल कंज्यूम हो चुके हैं, बाकी कितना बचा है 1 - x, और इसी तरह ये भी, जब इसका एक मोल कंज्यूम होता है तो इसके 2 मोल बनते, अगर इसके x मोल कंज्यूम हो जाए x, तो ये कितना बनेगा 2x। मतलब ये हुआ कि इसके x मोल कंज्यूम हो चुके हैं, बाकी कितना बचा है ये, तो पहले x 1 था, 1 में से x कंज्यूम हुआ, बाकी कितना बचा 1 - x। अच्छा, अब हम जानते हैं Kc is equal to molar concentration of product divided by molar concentration of reactant. अब मैं interested हूं x की value में कि ये x आखिर है कितना, तो पुट वैल्यूज, केसी वैल्यू मुझे पहले से गिवन है विच इज 49, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एच आई ये मैंने सपोज किया है कि ये 2x है, 2x पावर 2, एच आई का है 1 - x, और आयोडीन का भी है 1 - x, तो ये आप रीअरेंज करें या फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करें, 49 को मैंने लिखा 7 पावर 2, 7 - 7 = 49, ये 2x पावर 2, 1 - x × 1 - x, तो 1 - x पावर 2, x 1 - x power 2, स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, तो ये 7 2x 1 - x। रीअरेंज करें, ये आप इस साइड पे ले आए, 1 - x 2x, ये मल्टीप्लाई करें 7 - 7x = 2x,
ये माइनस सेवन एक्स दूसरे साइड पे लेके जाए तो ये प्लस सेवन एक्स बनेगा, तो 2x पहले से है और 7x ये, तो 9x, ये 9 इस साइड पे लेके आए, x विल बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 7, सॉरी 7 डिवाइडेड बाय 9। अब 7 डिवाइडेड बाय 9 से क्या आता है? 0.6। तो x की वैल्यू मैंने मालूम कर ली विच इज 0.7। अब x मुझे नोन हुआ कि x की वैल्यू है 0.7 मोल्स पर लीटर, तो Hi का मोलर कंसंट्रेशन ये मैंने कितना सपोज किया हुआ है 2x, तो मतलब हुआ 2 × 0.7 यानी 1.4 मोल्स पर लीटर। H2 का मोलर कंसंट्रेशन ये मेरे पास है 1 − x यानी 1 − 0.7 यानी 0.3 मोल्स पर लीटर, और I2 का आयोडीन का ये भी मैंने सपोज किया हुआ है 1 − x, तो 1 − 0.7 = 0.3 मोल्स पर लीटर। यू मैंने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन मालूम किए केसी की वैल्यू को यूज करके। तो ये केसी का तीसरा एप्लीकेशन था जो कि था कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट from KC value and initial concentration.